नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए रत्नों से जुड़े उन 15 सवालों के जवाब जो आपको अब तक किसी ने ना बताए और ना ही समझाए। देखिए कालचक्र। जी हाँ, पंडित जी ने आपको कई बार रत्नों से जुड़ी खास जानकारी दी है, रत्नों की एक्सपायरी डेट और रत्नों से जुड़े बहुत से उपाय आपको बताए हैं। लेकिन आज हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि कालचक्र में पंडित जी आपको रत्नों से जुड़े उन 15 सवालों के जवाब देंगे जो अब तक आपको कहीं नहीं बताए गए होंगे। दाग धब्बे, दरार, पारदर्शी वाले रत्न धारण करना, रत्नों का टूटना, दरार पड़ना, रत्नों का खो जाना और दूसरे का रत्न धारण करना, इन तमाम विषयों पर आज पंडित जी आपको विस्तार से सटीक जानकारी देंगे। तो बात हो रही है आज रत्नों पर। जी हाँ, रत्न जो हमें बहुत आकर्षित भी करते हैं, किसी के उंगली में अगर हम किसी को धारण करे हुए देखें, बड़े कलरफुल होते हैं, कोई येलो कलर का, कोई व्हाइट कलर का, कोई ग्रीन कलर का, बहुत सारे रत्न देखने को मिलते हैं। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ये इतने सारे रत्न हम देखते हैं, अगर मैं बात करूं तो क्या हमारे ग्रंथों में भी ये रत्न निहित हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है? एकदम की गई है। ग्रंथों में इन सभी रत्नों का वर्णन है और वेदों में इन रत्नों का वर्णन है, और आदिकाल से जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये रत्नों की चर्चा है। देवियों के मुकुट में, देवताओं के मुकुट में इन रत्नों के जड़े होने की बार बार बात आती है। तो कहने का आशय ये है कि ये जो रत्न हैं, जो मूल्यवान होने की दृष्टि से रहीमदास ने भी कहा है कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। रतन धन, रतन को धन माना गया है, जैसे सोने चांदी को धन माना गया है, उसे रतन को भी धन माना गया है। ये भी आपके विपदा में काम आ सकता है, ये भी आपकी गरीबी को दूर कर सकता है, ये भी आपकी मुसीबत को टाल सकता है। और रत्न कई प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में हमारे 84 प्रकार के रत्नों का वर्णन मिलता है। अब ये 84 प्रकार के रत्न को आप 3 भागों में डिवाइड करिए, 3 भागों में, 3 श्रेणियों में इनको विभाजित करिए। कौन कौन से वो होंगे? पहला पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिस रत्न के आर पार दिखाई देता हो। दूसरा अपारदर्शी, ऐसा रत्न जिसके आर पार दिखाई ना देता हो। तीसरा अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी का मतलब जिसमें कुछ दिखता भी हो, कुछ ना दिखता हो। तो ऐसे 3 रत्नों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। अब इनमें क्या 2 प्रकार है भाई? एक तो रंगीन है और दूसरे सादे हैं। रंगीन रत्न अगर हल्के रंग का हो तो उसकी पारदर्शिता सुरक्षित रहती है, क्योंकि गहरा रंग पारदर्शिता को समाप्त कर देता है, जिससे रत्न का मूल्य कम हो जाता है। जैसे नीलम अगर मयूर पंखी होगा तो पारदर्शी होगा, लेकिन वही नीलम अगर बहुत गहरे रंग का हो जाएगा तो अपारदर्शी हो जाएगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी। पारदर्शी रत्नों में सबसे पहला स्थान अगर देखा जाए तो हीरे का है। नीलम और पुखराज भी पारदर्शी रत्नों में ही माने जाते हैं। अपारदर्शी रत्न जो है वो फिरोजा है। अल्प पारदर्शी रत्न श्रेष्ठता की दृष्टि से दूसरी श्रेणी में आते हैं। ये पूरी तरह से पारदर्शी न होकर के कुछ धुंधले होते हैं। रंग के गहरे फीके होने के आधार पर इनकी पारदर्शिता भी कम या ज्यादा होती है। लेकिन दीर्घजीवी, दीर्घजीवी का मतलब लंबे समय तक अपनी क्षमता को बनाए रखने वाले रत्न श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो रत्न हर जलवायु में, हर क्लाइमेट में, हर ऋतु में, हर टेम्परेचर में, हर देश में, हर स्थिति में एक सा रहे, उसका रूप रंग ना बदले, कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा रत्न सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
ऐसे रत्नों पर रासायनिक प्रयोगों का भी प्रभाव नहीं होता है। ऐसे रत्न आसानी से टूटते नहीं हैं और इनमें स्क्रैच खरोच भी नहीं पड़ती है। हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, ये सब दीर्घजीवी रत्न हैं, इस बात को समझ कर रखिए। लेकिन मूंगा जो है ये पत्थर नहीं है, मूंगा लकड़ी है। लकड़ी मूंगा नाम का एक जानवर होता है जो समुद्र के किनारे लकड़ी के अंदर जा करके अपना लार्वा छोड़ता है और उसकी उसका लार्वा इकट्ठा जो होता है उसको शिकारी खरोच करके निकाल करके और उसकी कटिंग करके उसे मूंगा की जगह पर बेचते हैं। कोई कहता है कि इटालियन मूंगा है, वो लाल रंग का होगा, कैप्सूल की तरह होगा। कोई कहता है देसी मूंगा है, कोई कहता है जापानी मूंगा है। तो मूंगा कई प्रकार के होते हैं, ये लकड़ी होता है और इसके परीक्षण के लिए अगर नींबू की दो बूंद मूंगा के ऊपर टपका दी जाए तो वहाँ बुझबुझा निकलने लगता है क्योंकि वो लकड़ी है। अगर वो प्लास्टिक का होगा, अगर वो नकली होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, और अगर असली होगा उस पर दो बूंद नींबू निचोड़ देंगे तो बुझबुझा निकलेगा और उसे पोंछेंगे तो वहाँ सफ़ेद हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको धो देंगे तो फिर वो अपने रंग में आ जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि मूंगा को पत्थर नहीं मान सकते हैं, मूंगा रत्न जरूर है लेकिन ये कैसा रत्न है, एक जानवर के लार्वा से उत्पन्न हुआ ये रत्न है, इसलिए इसे लकड़ी की ही श्रेणी में माना गया है। तो पंडित जी लगातार रत्नों से जुड़ी बहुत खास जानकारी आपको दे रहे हैं। जी हाँ, रत्न जो अपनी किस्मत बदल देते हैं, लेकिन रत्नों का बिल्कुल सही होना, रत्नों का असली होना, कैसे पहचान, ये लगातार आपको बता रहे हैं। 15 ऐसी बातें रत्नों के बारे में, खास बातें जो पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। पंडित जी लगातार आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं रत्नों के बारे में। अच्छा, एक चीज और, नवरत्न, नौ रत्नों का वर्णन, और हम भी सुनते आए हैं नौ रत्न होते हैं, तो ये नौ रत्न ही क्यों, पहली बात। दूसरा, उपरत्न, कृत्रिम रत्न, साथ ही कांच, रंगीन कांच, इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम इसको समझें? पहली बात तो ये समझ लो श्रद्धा कि अगर नौ रत्न हैं तो नौ ग्रह ही हैं। जो नौ ग्रह हैं उन्हीं से संबंधित जो एक एक रत्न है वही नौ रत्न है, और नवरत्न से संसार की सारी वस्तुएं पूरी हो गई, इस बात का आभास होता है। जैसे अकबर अपने दरबार में नौ ऐसे लोगों को रखता था जिनका नाम नवरत्न था। अकबर के दरबार में तो नवरत्न रहते थे। वो नवरत्न क्या थे? नौ विशिष्ट प्रतिभाओं के धनी लोग रहते थे, पत्थर नहीं रहता था। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोग हमसे भी ये सवाल पूछते हैं जो श्रद्धा पूछ रही है कि मुख्य रत्न नौ ही क्यों होते हैं पंडित जी, जबकि अनेक प्रकार के और भी रत्न उपलब्ध हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्मांड में नौ ही तो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। इन ग्रहों से निकलने वाली रश्मियों को एकत्रित करने की क्षमता नवरत्नों में पाई जाती है, इसलिए ये रत्न महत्वपूर्ण हैं, जबकि बाकी रत्न नवग्रहों की रश्मियों को बहुत कम ऑब्जर्व कर पाते हैं, बहुत कम एकत्रित कर पाते हैं, इसलिए वो उपरत्न कहलाते हैं। एक और सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि रत्न, उपरत्न, कृत्रिम रत्न और रंगीन कांच, इसमें क्या अंतर है? जिज्ञासा बस लोग पूछते हैं, जानते भी होंगे तब भी पूछते हैं। तो इन चारों तरह की चीजों में ग्रहों की रश्मियों को शोषित करने की या एकत्रित करने की क्षमता अलग अलग है। प्रमुख रत्न जो है वो सबसे ज्यादा ग्रहों की रश्मियों को ग्रहण करता है, इसके बाद उपरत्न और फिर कृत्रिम रत्न। कृत्रिम रत्न आप किसे समझ सकते हैं?
कृत्रिम माने जो बनाया हुआ हो। जैसे आज मार्केट में जो पुखराज मिल रहा है वो बैंकॉक का पुखराज है, वो सफेद पुखराज है, उसको ट्रीट किया गया है, उसको पीला रंग दिया गया है। 200 वाट का बल्ब जला करके उसके सामने ले जाइए, 2 मिनट के अंदर सफेद हो जाएगा और उसकी रीसेल वैल्यू 0 होती है। वो कृत्रिम है, लेकिन अगर उसको आप धारण करेंगे तो वो भी बृहस्पति की रश्मियों को ऑब्जर्व करेगा, कम मात्रा में करेगा और फायदा आपको होगा लेकिन कम होगा। ओरिजिनल पुखराज की अपेक्षा उसका प्रभाव आपके जीवन पर सकारात्मक कम होगा। 9 ग्रहों की रश्मियों को ग्रहण करने वाले ये रत्न ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, रत्नों को किस धातु के साथ धारण करें इसमें भी बड़ा भेद है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि सोने में भी नीलम पहन लेते हैं दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में, जबकि ये मिडिल फिंगर शनि की है। शनि से सोने का क्या लेना देना, इस उंगली में तो सोने की अंगूठी भी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अज्ञानता बस इसमें भी सोने की अंगूठी सस्का लेते हैं, क्या कह सकते हैं उनको। अब उसका बुरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता रहता है, परेशानियां बढ़ती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, सम्मान लूटता रहता है, लेकिन वो पहन के बैठे रहते हैं। तो ऐसे में नीलम गोमेद लहसुनिया, ठीक है, नीलम गोमेद लहसुनिया ये चांदी या पंच धातु में बनवाना चाहिए और मोती को तो स्पेशल चांदी में ही बनवाना चाहिए। अब बंगाल में मोती को सोने में बनवा देते हैं और सोने में बनवा के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहना देते हैं। वहां के ज्योतिषी लोगों का कहना है कि सोना और मोती जब मिलता है तो उसके अंदर पुखराज के गुण आ जाते हैं, बृहस्पति को आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। ये सिद्धांत हमारे समझ से कहीं से भी तथ्यपरक नहीं है, लेकिन बंगाल में रहने वाले लोगों को अगर आपने कभी देखा होगा तो कभी ध्यान से संयोग अगर बने तो आप देखिएगा कि दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में मोती जड़ा होगा, केवल बंगाल के लोगों में आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हीरा ये प्लेटिनियम में बनवाना चाहिए। प्लेटिनियम एक ऐसी धातु है जो 1000 डिग्री के टेम्परेचर पर पिघलती है। कहने के लिए लोग कह देते हैं कि हाँ प्लेटिनियम में हम बना देंगे, लेकिन इतनी बड़ी प्रयोगशाला लोगों के पास नहीं है, अंगूठी बनाने वालों के पास, जो प्लेटिनियम को पिघला सकें। तो होता क्या है, होता यह है कि 25% सोना 75% चांदी मिला करके अंगूठी बन जाती है और उस पर प्लेटिनियम का पॉलिश हो जाता है, वो प्लेटिनियम जैसा दिखने लगता है। तो प्लेटिनियम और अन्य रत्न सोने में धारण करने चाहिए। प्लेटिनियम एक प्रकार से व्हाइट गोल्ड को ही कहते हैं। तो इस तरह से रत्नों को धारण करने की धातु के साथ विधा है, जो अगर शास्त्र सम्मत है तो निःसंदेह वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर वो आपने अपने, कुछ लोग तो वो है ना जो अपने से जिस मार्ग पर चल दें वही मार्ग मार्ग बन जाता है। दम्बिन निजमत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्बिन निजमत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग ऐसा अपना प्रभाव दिखाएगा कि जितने सदग्रंथ हैं वो गायब हो जाएंगे। दम्भी माने पाखंडी, पाखंडी लोग अपने मन से नए शास्त्र की रचना कर देंगे। ज्योतिष पढ़ते मुझे 50 साल हो गए, लेकिन मैंने किसी ज्योतिष के ग्रंथ में काल सर्प योग नहीं पढ़ा, लेकिन आज हर दूसरे पंडित के मुंह से सुनाई देता है काल सर्प योग है, वास्कु योग है, तक्षक योग है, ये योग है, वो योग है। अरे कहां से पकड़ के ला गए आप काल सर्प योग, कहां से पैदा कर लिया आपने इसको? शास्त्र का कोई आधार भी तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, हिंदुस्तान भेड़िया दशान
काल सर्प योग है, तुरंत जाइए त्र्यंबकेश्वर, वहां पूजा करवाइए, ये तो काल सर्प योग है, ये तो 12 प्रकार का काल सर्प योग है। तो बस अपने मन से एक विद्या आपने पैदा कर दी, रोजी रोटी का एक अच्छा कार्यक्रम बन गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे शास्त्र कहते हों, जो हमारे प्रामाणिक शास्त्र कहते हों, अगर उन विधाओं का हम पालन करेंगे तो सचमुच में हम अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे परिणाम पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो आज का जो ये कार्यक्रम है ही इसलिए कि आप तक पूरी और सही जानकारी दी जाए, सटीक जानकारी दी जाए जो रत्नों को लेकर पंडित जी लगातार दे रहे हैं। जैसे कि धातु को लेकर पंडित जी ने बताया, मैंने बहुत सारे लोगों को नीलम वाकई में सोने में पहना हुआ देखा और उनसे पूछो ओपल या नीलम पहने हुए तो वो बोलते हैं हमें ऐसा ही बताया गया है। खैर, अब हम एक और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रत्न मैंने कहा बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मुझे ओपल बहुत पसंद है, अब मैं किसी को पहने हुआ देखो तो लगता है हम भी पहन ले, तो क्या दूसरों के धारण करे हुए रत्न पहने जा सकते हैं? क्योंकि घर में कई बार ऐसा होता है कि ये किसी ने पहना हुआ है तो पिता ने अपने बेटे को दे दिया या माता ने अपनी अपनी बेटी को दे दिया, ये तुम पहन लो, क्या ये सही है? श्रद्धा, सही बात तो ये है बेटा कि रत्नों की बात तो दूर कर दो, किसी के पहने हुए कपड़े, किसी के पहने हुए जूते, किसी का उपयोग किया हुआ रुमाल, अगर आप इसका भी उपयोग करते हैं या किसी के सोए हुए बिस्तर पर आप सोते हैं तो इन सब चीजों का भी जो उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा वहां अवशोषित होगी वो सब आप में समाहित हो जाएगी। तो जब इन चीजों का बैड इफेक्ट पड़ता है तो किसी का उतारा हुआ रत्न अगर आप धारण करेंगे तो उससे आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपको अच्छा फल देगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, क्या दूसरे के पहने हुए रत्न को धारण करना चाहिए? तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि दूसरे व्यक्ति के हाथ से उतरा हुआ रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा भी उस रत्न में अवशोषित हो जाती है। ऐसे में किसी व्यक्ति के हाथ से उतारा हुआ रत्न अशुभ फल दे सकता है। हाँ, बहुत जरूरी अगर हो तो उसे दूध और गंगा जल से धोकर उसकी शुद्धि करके उसके ग्रह के मंत्रों का शास्त्र सम्मत जप करके और उसको धूप दीप दिखा करके परिवार का कोई करीबी सदस्य धारण कर सकता है। जैसे पिता का रत्न पुत्र धारण कर सकता है, पति का रत्न पत्नी धारण कर सकती है, माँ का रत्न बेटी धारण कर सकती है। ब्लड रिलेशन में अगर ये रत्न धारण किए जाएं तो कोई बुराई नहीं होगी। देखिए, रत्न खो जाएं, टूट जाएं या उनमें दरार आ जाए तब क्या करना चाहिए? तो देखिए, रत्न का टूटना या उसमें दरार आना ये अशुभ माना गया है, ऐसे में ग्रह शांति करानी चाहिए, नया बड़ा और अच्छी गुणवत्ता वाला रत्न धारण करना चाहिए। रत्न खो जाए तो इसे शुभ माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, रत्न के बारे में जो हमने कहा कि अगर खो जाए दरार आ जाए, रत्नों की उम्र भी होती होगी, एक समय बाद देखा गया है बहुत से लोगों के रत्न क्रैक आ जाता है या खो जाता है अपने आप में, वो भी एक बड़ा चमत्कार सा लगता है कि पता नहीं कहां गया रत्न, मिलता ही नहीं है, तो इसको क्या साइन समझा जाए? और जो आपने कहा दरार आने पे टूटने पे क्या सही तरीका है जो हमें करना चाहिए? देखो श्रद्धा, सही बात तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में सभी को पता है कि सोने का चोरी होना और सोने का मिलना दोनों अशुभ संकेत करता है। सोना गायब हो गया आपका, चोरी हो गया, तो भी आपको बुरे परिणाम भुगतने होंगे, और सोना कहीं से किसी का अगर आपको मिल गया और आपने उसे अपने यूज में कर लिया तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से रत्नों की बात है, रत्नों में अगर दरार आ जाए तो ये अशुभ है। इसका मतलब कि ग्रहों, उस ग्रह ने आपके ऊपर आने वाली आपदा को संभालने की कोशिश किया लेकिन वो विफल रहा। तुरंत ग्रह शांति करानी चाहिए। ग्रह शांति का मतलब सूर्य के मंत्रों का 7000 जप, चंद्रमा के मंत्रों का 10000 जप, मंगल के मंत्रों का 10000 जप, बुध के मंत्रों का 9000 जप, बृहस्पति के मंत्रों का 16000 जप और शुक्र के मंत्रों का 16000 जप, शनि के मंत्रों का 23000 जप, इसी तरह से राहु केतु के मंत्रों का 18000 जप और 17000 जप की संख्या करवानी चाहिए।
और हर समय रत्न बड़ा और अच्छी गुणवत्ता का ही धारण करना चाहिए। रत्न अगर खो जाए तब तो इसे ठीक माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो रत्न के गायब होने के बाद आपकी मुसीबत टल गई है, ये दोष दूर हुआ है। हाँ, लेकिन रत्न किसी का मिलना ये भी अशुभ माना जाता है, इससे दूसरे के ग्रहों के अशुभ प्रभाव व्यक्ति पर आ सकते हैं। आप कभी अगर ध्यान दिए होंगे तो जब ग्रहों का दान बताया जाता है तो शनि के दान में नीलम बताया जाता है, सूर्य के दान में माणिक्य बताया जाता है, चंद्रमा के दान में मोती की माला बताई जाती है, बुध के दान में पन्ना बताया जाता है, बृहस्पति के दान में पुखराज सुनहला ये सब रत्न सोना बताया जाता है। इसी तरह से शुक्र के लिए भी चांदी या फिर ओपल ये सब दान में बताया जाता है। जो ग्रह अरिष्टकारक हैं, जो ग्रह हानिकारक हैं, जो लोग छठे आठवें बारहवें घर के मालिक हैं, जो घर मृत्यु भाव को या शत्रु भाव को देख रहे हैं या मारक स्थान के स्वामी हैं, उनके रत्नों को दान करने का विधान शास्त्रों में है और उसका लाभ भी मिलता है। तो बस आज का कार्यक्रम मुझे विश्वास है कि आपको नई जानकारी देगा, इसलिए आज के कार्यक्रम को देखना भी चाहिए और जरूरत होने पर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आपको नोट भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी, पंडित सुरेश पांडे जी आपको रत्नों से जुड़े उन 15 सवालों के जवाब दे रहे हैं जो अमूमन हर दर्शक के मन में होंगे ही होंगे। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रत्नों के प्रभावों की। रत्न किस चीज में धारण करना शुभ माना जाता है, अंगूठी में या फिर लॉकेट में, ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, अंगूठी पहने या फिर लॉकेट में रत्न बनवाकर धारण करें। देखिए, प्राचीन काल से जब से हमारी सनातन सभ्यता है, सनातन तो सनातन है हर समय से है, तब से अंगूठी और लॉकेट ये दोनों के पहनने का महत्व है। जैसे देवी की मानस पूजा में भी शंकराचार्य कहते हैं, स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्तांबुजे मुद्रिका। मुद्रिका आ गई ना, यही मुद्रिका अंगूठी है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्तांबुजे मुद्रिका, मध्य सार सनातंब फलके मंजीर मघ्रध्वे, हारो वक्षस कंकरोत कोरत कोरत कारो कर द्वंद के विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अंगदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। तो अंगूठी और लाकेट की भी बात यही है, जो हार है उसमें जो लाकेट है वो लाकेट है। राजा महाराजा भी इसका पालन करते थे, श्रेष्ठ मनुष्य भी इसका पालन करते हैं। तो रत्नों को अंगूठी के रूप में पहना जाता है तो हमारे हाथ की सारी उंगलियां ग्रहों के लिए बंधी हुई है। जैसे ये छोटी उंगली बुध पर्वत के ऊपर है तो इसमें बुध का रत्न पहना जाता है, ये अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत है तो इसमें सूर्य का भी रत्न पहना जाता है, मंगल का भी रत्न पहना जाता है, शुक्र का भी पहना जाता है। आप कहोगे ऐसे कैसे, तो देखिए सूर्य पर्वत के ठीक नीचे निम्न मंगल है, मंगल के नीचे सीधे जाएंगे तो शुक्र ग्रह का भी मतलब कि आपको स्थान मिल जाएगा, तो इसलिए ये तीन अंगूठियां यहां भी पहन ली जाती हैं। मध्यमा उंगली में सीधे 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 केवल शनि पर्वत है, इसलिए इसके नीचे राहु पर्वत है, तो शनि और राहु और केतु के अंगूठियां जो है वो मध्यमा में पहन ली जाती हैं। अब इसी तरह से पुखराज के लिए भी तर्जनी उंगली है बृहस्पति पर्वत होने के कारण, लेकिन जब किसी ग्रह का प्रभाव आपको अगली राशि पर लेना हो तो मेरा ये अनुभव है, मैं इस पे चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने इसको आजमाया है, मैंने इसका प्रभाव देखा है। अगर किसी का बृहस्पति अष्टम भाव में है और उसको आपको फल नवम भाव का लेना है, नवमेश का लेना है और बृहस्पति नवमेश है, तो आप उसे पुखराज लाकेट में पहना दीजिए और चमत्कार देखिए। तो लाकेट के रूप में गले में धारण तब कर लिया जाए जब उस ग्रह की स्थिति एक कक्षा आगे बढ़ाने से लाभकारी हो जाए। रत्नों को अंगूठी के रूप में अंगुली में धारण करना ज्यादा फायदेमंद होता है। रत्न की अंगूठी
अंगुली की त्वचा को हर समय सोते जागते चलते फिरते स्पर्श करती रहनी चाहिए। स्पर्श का मतलब छुए ना, लेकिन उसके बीच में और त्वचा के बीच में कोई अवरोध ना। इससे शरीर की त्वचा में ज्यादा समय के लिए संपर्क में रहने से इसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि अगर पंडित जी किसी का ग्रह ऐसी स्थिति में है कि वो पीछे अगर हो जाए, पीछे की कक्षा में हो जाए, तो उस जिंदगी, उस आदमी की जिंदगी जय जय हो जाएगी। उसमें फिर क्या कहता है ज्योतिष? उसमें ज्योतिष ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी को वो रत्न धारण करवाना चाहिए, जीवन संगिनी की वो रत्न धारण करवाना चाहिए। इसका चमत्कार भी देखा जाता है। रत्नों को गले में लॉकेट में धारण करने से ये शरीर की त्वचा के साथ हमेशा स्पर्श नहीं कर पाते हैं। रत्नों को अंगूठी में धारण करने से इनका प्रभाव 90-95% तक प्राप्त होता है। रत्नों को गले में धारण करने से इनका प्रभाव 80-90% तक रहता है। गले में हमेशा भगवान के लॉकेट या रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि हृदय के पास रहने से हृदय को मजबूती प्रदान करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक बात और कि हमेशा पुरुषों को देखा गया है कि वो दाएं हाथ में रत्न धारण करते हैं, महिलाओं के लिए कहा जाता है बाएं हाथ में रत्न धारण करें, तो क्या कैसे धारण करना चाहिए? कुछ संबंध इसका प्रकृति से है? इसके पीछे का लॉजिक अगर हम तलाशे तो क्या है? देखो, सही बात यह है कि पुरुष और महिला दोनों को हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, जब जब जन्म कुंडली बनती है ना, तो अब तो नहीं, लेकिन जब कुंडली हम लोग हाथ से बनाते थे तो उसमें लिखते थे अमुक जन्म पदांतर्गत अमुक ग्राम निवासिना अमुक शर्मण अमुक वर्मण तस्य सुलक्षणा धर्म भार्यायाम दक्षिण कुक्ष प्रथम पुत्र रत्न मजी जनत वाम कुक्ष कन्या रत्न मजी जनत। मतलब दाहिनी कोख से पुत्र पैदा हुआ, बाई कोख से कन्या पैदा हुई। हम मेरे समझ में नहीं आता कि क्या है दाहिनी कोख क्या है बाई कोख, लेकिन पहले यही लिखा जाता था। और हम भी कम से कम सैकड़ों कुंडली में लिखे हैं कि दक्षिण कुक्ष पुत्र रत्न मजी जनत वाम कुक्ष कन्या रत्न मजी जनत। उसी के आधार पर महिलाओं को बाएं हाथ में अंगूठी धारण करने का और पुरुषों को दाहिने हाथ में अंगूठी धारण करने का एक दिशा निर्देश है। लेकिन अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। अलिंगे अस्मद युष्मदी, मतलब अब लिंग भेद नहीं है। अब अगर चाहें तो महिला पुरुष दोनों दाहिने हाथ में अंगूठी धारण कर सकते हैं। हाँ, महिलाओं को बाएं हाथ में रत्न धारण करना, पुरुषों को दाहिने हाथ में रत्न धारण करना, ये मतलब कि गर्म और ठंडा के आधार पर है। जबकि महिलाओं का बायां हाथ गर्म और दायां हाथ ठंडा होता है, क्योंकि कुछ रत्न प्रकृति के अनुसार गर्म होते हैं, जैसे पुखराज हीरा माणिक मूंगा। कुछ रत्नों की प्रकृति ठंडी होती है, जैसे मोती पन्ना नीलम गुमेद लसुनिया। ऐसे में रत्नों की प्रकृति के अनुसार रत्नों को दाएं या बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। गर्म रत्न पुखराज हीरा माणिक मूंगा पुरुषों को बाएं हाथ दाएं हाथ की तर्जनी और अनाम की उंगली में धारण करना चाहिए। महिलाओं को यही रत्न अपने बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। ठंडे रत्न जैसे मोती पन्ना नीलम गोमेद लसुनिया पुरुषों को अपने बाएं हाथ की मध्यमा और कनिष्ठिका में भी धारण कर सकते हैं, जबकि महिलाओं को अपने दाहिने हाथ की इन्हीं उंगलियों में ये रत्न धारण कर लेना चाहिए। इससे भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। एक बात और पंडित जी की, कहते हैं कि जब रत्न धारण करो तो मित्र रत्न शत्रु रत्न इसका ध्यान रखो, क्योंकि राशियों का भी शुक्र और बृहस्पति गुरु का कहते हैं कि आपस में बनती नहीं है, तो इन चीजों का कितना ख्याल रखना चाहिए? बहुत ख्याल रखना चाहिए। देखो, ग्रहों के दो वर्ग हैं, ग्रहों के दो वर्ग हैं, और ये दोनों वर्गों को अगर आप एक साथ मिला जुला दें फिर अनिष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति, इनके रत्नों को आप एक साथ धारण कर सकते हैं, आपका कल्याण होगा। लेकिन सूर्य और शनि का रत्न, सूर्य और शुक्र का रत्न, चंद्रमा और शनि का रत्न, मंगल और शनि शुक्र का रत्न, बृहस्पति और ये रत्न नुकसानदेह हैं। तो ऐसे में सही बात ये है कि रत्न का वजन व्यक्ति के शारीरिक भार, ग्रहों के बल
ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। हमेशा दोष रहित रत्न धारण करना चाहिए। हर रत्न की अपनी एक आयु होती है। आयु पूरी होने के बाद रत्न अपना प्रभाव खो देता है। रत्न की आयु पूर्ण हो जाए तो उसको, अगर सस्ता रत्न है तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए, अगर महंगा रत्न है तो उसे फिर से उसके संबंधित अनाज में रख करके उसको पुनः जागृत करिए और तब धारण करिए। मित्र रत्न और शत्रु रत्न का ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आपने मोती भी पहना है तो नीलम भी पहना है, आपने माणिक्य भी पहना है तो आपने गोमेद भी पहन लिया है, ऐसी भूल ना करिए। और हाँ, लग्नेश और राशिश परस्पर शत्रु हों तो लग्नेश के रत्न और इससे संबंधित रत्न पुरुष को दाएं हाथ में और राशि और इससे संबंधित रत्न को पुरुष के बाएं हाथ में धारण करवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक चीज और कि बिना किसी जानकारी के हमें रत्न नहीं धारण करने चाहिए, क्योंकि शुभ और अशुभ फल इससे जो है वो मिल सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना कितना जरूरी हो जाता है। कि कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा कि मुझे ओपल बहुत पसंद है, लेकिन पता चलता है कुंडली देखकर कि ओपल नहीं पहनना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे ही धारण कर लेते हैं तो उसका खराब असर भी पड़ता होगा। देखो श्रद्धा, सही बात तो ये है कि ज्योतिष शास्त्र में बड़ा स्पष्ट है कि शरीर भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी, ये तीन भावों के स्वामी जो ग्रह होते हैं उनके रत्न आंख मूंद कर धारण करने चाहिए। जो रत्न दूसरे भाव के, सातवें भाव के, छठे, आठवें, बारहवें भाव के स्वामी हों उनका रत्न भूल करके भी धारण नहीं किया जाना चाहिए। यही स्थिति चंद्रमा से भी देखनी चाहिए। अगर व्यक्ति की चंद्र कुंडली मजबूत है तो उसके राशि के आधार पर रत्न धारण करवाना चाहिए, और अगर लग्न कुंडली मजबूत है तो लग्न के आधार पर रत्न धारण करवाना लाभकारी होता है। तो माणिक्य के साथ हीरा, नीलम, गोमेद मत धारण करिएगा। मोती के साथ गोमेद, लसुनिया मत धारण करिएगा। मूंगे के साथ हीरा, नीलम, गोमेद ना धारण करिएगा। पन्ने के साथ मोती मत धारण करिएगा। पुखराज के साथ हीरा और नीलम धारण न करिएगा। हीरा और नीलम के साथ माणिक, मूंगा और पुखराज न धारण करिएगा। गोमेद के साथ माणिक, मूंगा और मोती वर्जित है। लसुनिया के साथ मोती धारण करना सर्वथा वर्जित है। तो इन सब बातों को बताना चाहूँगा कि आप पंचधातु या अष्टधातु में धारण कर भी सकते हैं, और सभी, लेकिन पंचधातु और अष्टधातु में सभी धातुएं समान मात्रा में मिलाई जाएं। पंचधातु अष्टधातु के लिए मैं इसलिए नहीं प्रेफर करता हूं लोगों को कि पता नहीं लोग क्या मिला देंगे क्या मिला नहीं देंगे, सही होगा या गलत होगा, इसलिए मैं ज़्यादा करके रत्नों को चांदी और सोने में ही पहनने की बात करता हूं, क्योंकि चांदी होगी वो भी शुद्ध होगी, सोना होगा वो भी शुद्ध होगा। जो रत्न चांदी में फायदेमंद है उन्हें चांदी में, जो रत्न सोने में फायदेमंद है उन्हें सोने में पहनने की बात कही जाती है। हाँ, कुछ रत्नों को जैसे माणिक और मूंगा को तांबे में भी पहनने की बात की जाती है, उससे उसकी शुद्धता और बढ़ जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। रत्नों के बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं पंडित जी। और पंडित जी, एक चीज और, रत्न खो जाए या चोरी हो जाए तो ये किस तरफ इशारा करता है और इससे क्या कुछ ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ता है? देखो ऐसा है, रत्न धारण करने से पहले उसका जैसा फल मिलेगा इसके लिए रत्न के स्वामी के रंग का सूती कपड़ा लेकर के उसमें रत्न लपेट लीजिए। जो रत्न पहन रहे हैं उसको उसी वार में हाथ में धारण करें और अपनी दाहिनी बाजू में बांध लें। 8 दिन तक रत्न को अपनी बाजू में बंधा रहने दें। इन 8 दिनों में आपको आभास हो जाएगा कि रत्न आपको शुभ फल दे रहा है या नहीं। वैसे ये नियम हम केवल नीलम पर लागू करते हैं, क्योंकि नीलम एक ऐसा रत्न है जो रंग या राजा दोनों बना देता है। अगर नीलम ओरिजिनल होगा तो उसका प्रभाव 24 घंटे में दिखेगा। अगर वो आपको लाभ पहुंचाने वाला है तो आपके जिंदगी के सारे शुभ अवसर आपको दिखाई देने लगेंगे, और अगर वो आपके लिए शुभ नहीं है तो ऐसा बर्बाद करना शुरू करेगा जिसमें आप संभल नहीं पाएंगे। इसलिए नीलम की टेस्टिंग जरूरी होती है।
बाकी रत्नों की टेस्टिंग ना भी हो, केवल समझदारी के साथ प्रिस्क्रिप्ट किया जाए तो भी ठीक रहता है। रत्न की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, हाथ या गले में बार बार रत्न ना उतारें। रत्न खो जाए, गिर जाए या चोरी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि ग्रह दोष कम हो गया है। जय मां विंध्यवासिनी। किसी रत्न में आड़ी रेखाएं, क्रॉस या जाल हो, क्या ऐसा रत्न पहनने से आपको उसके शुभ फल मिलेंगे या अशुभ? जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी, जाल, आड़ी रेखाएं, ऐसा रत्न हो तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, सही बात है, जाल, जाल मतलब जिसमें सचमुच में जाल जैसा दिखाई दे। किसी रत्न में जैसे मोती में आड़ी रेखा हो या क्रास हो या जाल हो तो सौभाग्य नाशक होता है। पुखराज में आड़ी रेखा हो, क्रास हो या जाल हो तो बंधु बांधव का नाश करता है। पन्ना में ये दोष हो तो लक्ष्मी नाशक होता है, लेकिन पन्ना में प्रायः सस्ते पन्ना में ये दोष पाया ही जाता है। पन्ना में अगर ये दोष नहीं होगा ना तो पन्ना बहुत मूल्यवान होगा। जिस पन्ना में जाल नहीं होगा वो पन्ना 15-20 हजार रुपए रत्ती से ऊपर का होगा। प्रायः पन्ना में जाल पाया जाता है। पुखराज में ये दोष हो तो संतान के लिए हानिकारक है, अनिष्टकारक है। और अगर हीरे में ये दोष है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती है। और नीलम में ये दोष हो तो रोगवर्धक है, धननाशक है। और गोमेद में आड़ी रेखाएं हो या जाल हो या क्रास हो तो खून से संबंधित बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से लहसुनिया में अगर दोष हो तो यह शत्रुओं को बढ़ाता है। माणिक्य में दोष हो तो गृहस्थ जीवन में सुखों का नाशक है। मूंगे में अगर इस तरह की रेखा बन जाए या क्रास हो जाए तो सुख संपत्ति का नाशक माना जाता है। इस तरह से ये रत्नों के दोष हैं। इन्हें अच्छी तरह से जौहरी समझ सकता है या इसका कोर्स होता है, इसका कोर्स होता है और बाकायदे उसका सरकारी सर्टिफिकेट मिलता है। भारत सरकार की तरफ से जेम्स का कोर्स कराया जाता है, उसमें रत्नों के परीक्षण की विधा बताई जाती है, असली नकली का अंतर बताया जाता है। और वो सारे इसके निश्चित रूप से सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों पर इसके असली और नकली होने का प्रमाण साबित होता है। तो आप भी अगर किसी से रत्न खरीदें तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लाइब्रेरी से, लेबोरेटरी से आपका रत्न प्रमाणित हो, इस बात का ध्यान रख करके ही रत्न धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। विजय कुमार जुड़ चुके हैं सूरत से। विजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात कर सकते हैं आप? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार महाराज जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 1983 है जी। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि मैं किस लाइन में अपना किस्मत आजमाऊं। ये ऐसा है कि आपके दशम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और आप प्रतिभावान भी हैं। आप ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर लीजिए, अपनी गाड़ियां मत खरीदिएगा, दूसरों की गाड़ियां हायर करके और उसे चलवाइए। ट्रांसपोर्ट का काम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यातायात और ट्रांसपोर्ट और टूर ट्रेवल्स से रिलेटेड जो भी व्यवसाय आप करेंगे, बिना पैसे के काम आपका शुरू हो जाएगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। हाँ, समय जरूर लगेगा, 1-1.5 साल का समय लग सकता है आपको ठीक से सेटल होने में, लेकिन ये काम आपके लिए फायदेमंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कहीं आपके रत्न में धब्बे तो नहीं पड़ गए? अगर ऐसा है तो पंडित जी से जानिए कि रत्नों में धब्बे पड़ना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, बताएं पंडित जी। देखिए, मोती में धब्बे और दाग हो तो मानसिक शांति में बाधा बन जाती है। पुखराज में अगर दाग धब्बा होगा धन और संपत्ति का नाश होगा। कभी कभी पुखराज में सब कुछ तो अच्छा होता है लेकिन एक बबल जैसा दिखाई देता है, एक ऐसा दिखाई देता है जैसे एयर, हवा का एक छोटा सा किन का पुखराज के अंतर्गत है। और जब आप जौहरी से कहिए कि ये देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है तो जौहरी कहता, अरे ये कुछ नहीं है, ये एयर बबल्स है, ये तो होता ही है रत्नों में, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। ये संपत्ति का नाशक होता है। पन्ना, माणिक्य और मूंगा में दाग धब्बे हों तो पुरुष और महिलाओं के लिए रोगकारक होते हैं। हीरे में दाग धब्बे होंगे
ये मृत्युकारक भी हो सकता है। नीलम में दाग धब्बा होगा तो अचानक विपत्तियां आ सकती हैं। गोमेद का दाग धब्बा होगा तो संपत्ति और पशु का नुकसान होगा। लहसुनिया में दाग धब्बा होगा तो विरोधी बढ़ जाएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर केवल रत्न धारण करने से सारी दरिद्रता दूर हो जाती तो भारत सरकार इतना पैसा खर्च करके गरीबी उन्मूलन के काम को क्यों करती? सबको रत्न पहना देती, सब टाटा बिरला हो जाते और सब बढ़िया से ऐश की जिंदगी जीते। हमारा भी देश विकासशील देशों में ना होकर विकसित देशों में हो जाता, हमारा भी रुपया डॉलर के बराबर हो जाता। तो बस ये बात कहना चाहूंगा कि कर्म की प्रधानता को मत भूलिएगा। कर्म करिएगा तभी रत्न भी काम करेंगे। कर्म करते रहिएगा और सही रत्न प्रिस्क्रिप्शन आप पहनिएगा तब आपको रत्न भी काम करेंगे। केवल रत्न पहन करके और मनोकामना पूरी करने की बात सोचना ठीक नहीं होगा। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक साथ चलने चाहिए, तब आनंद बरसेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बार बार, रत्न धारण करिए, ओरिजिनल करिए, बढ़िया करिए, उसको जांच परख करके करिए, क्योंकि रत्नों में बहुत घालमेल चलता है, ठीक है। और रत्न लंबी आयु के होते हैं। रत्नों को धारण करने से मन में प्रसन्नता बढ़ती है, हाथ की शोभा बढ़ती है, मन की शोभा बढ़ती है। लेकिन रत्नों को परीक्षण के बाद और किसी कुशल अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन करने पर धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा रत्न किस दिन पहनना शुभ होता है, कौन सा रत्न किस उंगली में पहनना शुभ होता है और कौन सा रत्न किस ग्रह की कृपा दिलाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सूर्य का रत्न माणिक्य है, सूर्य की उंगली अनामिका उंगली है। रविवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य की उपासना के बाद शुक्ल पक्ष में ये रत्न दूध और जल से धो करके धारण करना चाहिए। धारण करने के पहले ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7000 जप कर लेना चाहिए। अब मोती की बात करें तो मोती सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका में, स्मॉल फिंगर में सोमवार की 8 बजे रात शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। दूध और जल से धोना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 10000 जप कर लेना चाहिए और तब इसको धारण करना चाहिए। मंगल का रत्न मूंगा है, जिसे रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में मंगलवार को प्रातः 7 बजे शुक्ल पक्ष में दूध और जल से धोकर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10000 जप करके तब धारण करना चाहिए। बुध का रत्न पन्ना है और बुध की उंगली कनिष्ठिका है, इसके नीचे बुध पर्वत है, तो इसको आप सोने में भी धारण कर सकते हैं, चांदी में भी धारण कर सकते हैं। और बुधवार के दिन प्रातः काल इसको शुक्ल पक्ष में धारण करेंगे, दूध जल से धो करके ओम बुं बुधाय नमः इस मंत्र का 9000 जप करके आप इसे धारण करेंगे। पुखराज बृहस्पति की उंगली तर्जनी इंडेक्स फिंगर में धारण किया जाता है, ये सोने में धारण किया जाता है। बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष में प्रातः काल धारण किया जाता है। लेकिन अगर आप ओपल पहनते हैं जो शुक्र का रत्न है, तो उसे भी आप चांदी में बनवा करके यहां धारण कर सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक तो यह है कि इस तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत है, लेकिन जब और सीधे जाएंगे तो शुक्र पर्वत भी अंगूठे के नीचे है। शुक्र का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव ये तर्जनी से मिलता है। लेकिन अगर हीरा पहनना है तो वो रिंग फिंगर में ही पहना जाएगा, जिसमें शादी की अंगूठी पहनी जाती है, अनामिका उंगली में उसी में पहना जाएगा। अच्छा, कनिष्ठिका उंगली में शनि का रत्न नीलम कभी भूल के भी नहीं, हाँ, ये मध्यमा में ही धारण किया जाएगा। राहु का रत्न भी मध्यमा में धारण किया जाएगा, गोमेद, और केतु का रत्न लहसुनिया ये भी मध्यमा में ही धारण किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कनक खेत लहसुनिया हो तो उसे आप चाहे तो अनामिका में भी धारण कर सकते हैं। ये कनक खेत लहसुनिया बहुत महंगा रत्न है, अगर ओरिजिनल है तो। सर्वार सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग, गुरु पुष्य योग, ये रत्नों के धारण करने के लिए विशिष्ट समय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
बहुत सटीक और बहुत अच्छी जानकारी जिससे सभी को लाभ हुआ होगा, वो आपने दी और अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए News 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।